हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबको गुड मॉर्निंग। सो आज है 9 सितंबर और आज मेरा लाइफ का बहुत एक खास दिन है। आज मेरा पापा का डेथ एनिवर्सरी है। 9 सितंबर 2013 को एक्सपायर हो गया था। सो आज मिला के 11 साल हो गया है, 11 इयर्स। तो आज उसका 11 इयर्स वो है डेथ एनिवर्सरी का। सो बना के अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइल्स लगाना बाकी है और मेमोरेंडम सो अभी तक नहीं लगा है। मेमोरी में जहाँ तक कलर भी नहीं लगा सकता है। इसके बाद मिस्त्री भी छुट्टी नहीं किया है। इसका मेरा मिस्त्र आ गया, सुबह सोशल सर्विस के लिए गया था बस्ती, पूरा साफ सफाई के लिए। बस्ती पूरा पोल्यूशन हो गया था, अभी आया है ये। तो एक भाई आया है, वो प्रे करतेगा, अभी प्रे कर रहे देगा। तो सब एक एक करके आ रहा है। ये है हम पास्टर, हाय मैम। ये प्रे कर देता है उस दिन से लगातार, तो अभी भी कर देगा और ये बस्ती चला जाएगा ना। किया था, मेरा नाखून टूट गया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। अभी काट देगा, मेरा सुंदरता से बहुत जलता है, मेरे खूबसूरत से जलता है, मेरे हाथों की खूबसूरत से जलता है। ये लोग का नजर लगाई था, टूट गया, काट दिया, खत्म हो गया। बहुत दुखी लग रहा है, बहुत मेहनत से पाला था। देखो काट दिया, खत्म, फिनिश, ऐसे हो गया। ठीक है, बहुत गर्म लग रहा है। फूल बहन फूल आया था सुबह, तो उसको लगाने के लिए गड्ढा करते करते लगा लिया, आधा लगा लिया, तो शाम को लगाया। तो शाम को थोड़ा सा हम जितना बहन बेटी लोग हैं थोड़ा प्रे करेगा और कैंडल जला देंगे। फैमिली आती है, क्योंकि हर बार हम फेलोशिप बुलाते, इसलिए इस बार फेलोशिप नहीं बुलाए। हम जा रहे घर से निकल गया, अंदर में गेंजी पहना था पर ऐसे कुर्ती डाल दिया। चर्च में आज फास्टिंग बैठ रहा है, तो उन लोगों के लिए मैगी बनाएगा। बहन बुलाए, फ़ोन करके बताए कि ऐसे काम करना है, तो उसके लिए निकलना है घर से। सो बहन घर में है तो उन लोगों के लिए भी करेगा। ओके, हो ना, आते दो बार मैं ये लोग पूरा धूती दिया है बोले, इसलिए ये भी फास्टिंग नहीं बताया। दीदी ने ये भी फास्टिंग नहीं बताया, ये लोग सब काम चोर वाला किया हमें। अभी भगवान का काम करके मनाएगा। अभी भी चर्च में है, सब्जी तब्जी काट रहा था, ये कैबेज काट के रखा है और सब कुछ रेडी होके रखा है। सो अभी तक फास्टिंग जो छुट्टी नहीं हुआ है, इधर है मैगी, मैगी ज़्यादा हो जाएगा बहन बोले, मैगी जो ज़्यादा हो जाएगा बहन बोले। तो इतना खास नहीं है आदमी। तो आज बहुत बहुत ये खुशी का दिन है। अभी बहुत बड़ा बिग न्यूज मिला है कि एक मेरा भाभी है, उसका डिलीवरी हुआ है, तो उसका बेटा हो गया। तो इतना खुश था कि मेरा आँख से आंसू निकल गया। सो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ऊपर वाला देता है ना, दिल खोल के देता है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, सब में भगवान बनाता है और देता भी है, बस हमें समय का इंतज़ार करना है, सही समय में भगवान। दिन आप लोगों को ये भी बताया था कि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स रुका हुआ था ऑफिस ये लैंड का,
तो मैप हो गया है, सक्सेस बना लिया है। बहुत दिन नहीं बनाया था, सो बना लिया, अब ठीक हो गया। कल बना के ला लिया, क्योंकि उसने हमने बताया कि कैसे कैसे क्यों क्यों रुका के रखा है। तो मैप हो गया, अभी और एक कागज़ प्रोसेस बचा है, वो बनाना बाकी है। तो लैंड का मैप जो है कंप्लीट हो गया, तो अभी और एक ही बाकी है, तो उसको बना लेगा। और डॉक्यूमेंट्स हमका गंगूरा का हाथ में है, सो उसको रुका हुआ है। सो देखिए, आज बहुत सी है, और अपना गॉड को मैं बहुत बहुत थैंकफुल करती हूँ कि समय समय में वो देता है। एक्चुअली मैं जब भी टेंशन होता हूँ, चिड़चिड़ा होता है, लेकिन इतना नहीं होता, कंट्रोल करता है। और ये विश्वास करता है कि प्रार्थना करता है कि यस, अपना भगवान जो है सही समय में दे के देता है। तो बस हमको ऑनेस्ट होके, हम्बल होके उस समय का इंतज़ार करना है, शांति से सही समय का। क्योंकि पेड़ लगाते ही फल नहीं देता है, तो वैसे ही काम करना है तो समय पे इनाम मिलेगा। तो आज हम बहुत यहाँ धूमपर है, जो भी बोलो चूर पूरा उठल पुटल है, कांगी नहीं मरा है। सो के उठ के थोड़ा बेटा का साथ सुबह सुबह बेटा हम दोनों झगड़ा और गिजू करके, और पापा का मेमोरी को सफ़ा किया। सफ़ा करने के बाद बहन हमने सफ़ा किया, तो बहन फूल लाया, थोड़ा फूल लगा के, आधा लगाया है आधा नहीं लगा, पेड़ लगाना था तो लगा के आया है। तो अब ये बहन के साथ इधर ही चर्च में है, तो बड़ा दीदी चला गया, घर में कुछ काम है बोले, उसका भी लेबर काम कर देखने गया है। और चर्च छुट्टी होने के बाद मैगी दे के फिर हम घर चला जाएगा, और घर में बहन लोग खाना सब्जी पका रहे, क्योंकि आज जो यजाली से आया है और वापस चला जाएगा। उस दिन पापा का मेमोरी बनाने के लिए आया था, तो अभी हो गया आधा आधी हो गया। तो उन लोगों बस्ती में भी काम है, खेत करता है बस्ती में, तो पूरा काम रुका हुआ है। तो अभी खाना खा के शाम को उन्हें कर देगा, तो हम भी यहाँ से चर्च से काम कंप्लीट होकर घर चला जाएगा। तो मिलते हैं घर का शाम का ब्लॉग में। शाम को हम लोग पापा का एनिवर्सरी थोड़ा फैमिली आदमी लोग मनाएगा, बस थोड़ा सा कैंडल जला देगा और प्रे कर देगा बस, और मिलके सब भोजन करिएगा। सो इस चैनल में खुशी मेमोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना, जो सुने व्यूअर्स है लाइक कमेंट शेयर कुछ भी, जिंदा है बोल के इशार करके दिखाओ। खा के जा रहे निकल के खा लिया मैं हम पहले चर्च से आ चुका था, चर्च में दोस्त भी आ गया था, तो बहन का दोस्त लोग के साथ और सब्जी पकाया है। तो एक बहन याजाली जाने वाला खाना पका के चला गया था, वो भी खा के। तो हम थोड़ा सा आके चर्च से लेट गया थी भी दिखता था, इसके बाद बुआरी आए हैं, हम लोग ऐसे बात कर रहे थे। सभी जा रहे हैं चर्च में इवनिंग वॉक कर करके पूरा हॉट हो गए क्या, वो तो फूलने वाला बीमार है ना। ऐसे में देखो ये हेल्दी है, लेकिन प्रेशर लो होके गिरते रहते हैं। कल भी रात को सिलेंड लेके आया, और परसों सिलेंड लेते रहते हैं, बेकार वाला मोटा है। हवा में फुलाया वाला बिलून का जैसा। तो अभी हम लोग चर्च जाएगा, स्पेशल सीखेगा, कल स्पेशल सॉन्ग वर्जन करना है हम लोग का। हम लोग 1-2 सेक्टर है, तो हम लोग कल 1 सेक्टर सॉन्ग गाएगा, और 3 वर्शिप है। तो प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। एक बहन न्यू जिली चला गया, उसका कैंडल जला के, उसका तरफ से प्रे करके वो जला के चला गया, तो हम चर्च से वापस आके चलाएगा। तो बड़ा दीदी भी शाम को आएगा बोल, सो आके सब प्रे करके चलाएगा। हेलो गाइस, हेलो गाइस, चर्च से घर आ गया, लेट हो गया, मेरा मिस्टर गुस्सा हो गया कि पापा का उधर कैंडल जलाना था, तो टाइम ओवर हो गया। ठीक है, मेरी चर्च में प्रैक्टिस चल रहा था, म्यूजिक सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर नया म्यूजिक ट्रैक लेके प्रैक्टिस हो रहा था, तो प्रैक्टिस होके अभी हो गया।
साथ में जाके प्रे करके केंद्र जला देना है प्रार्थना शांति के लिए। चलो हनुमान आरास अपू आरास टोकन हम सुन जाके जलाएगा केंद्र भी ला ले केंद्र भी नहीं अभी जाके जलाए। हेलो तू पापा का उधर कैंडल जला लिया प्रे करके पूरा ये हमें कभी मनाएगा नेक्स्ट ईयर तो अच्छे से मनाएगा। पिछला साल भी मनाया था अच्छे से सो इस बार नहीं मनाया है सो मिडिल क्लास है नहीं मनाया तो कुछ तो फाइनेंस है यस मनी है तो हानी है तब वैसे ही इसलिए नहीं मनाया क्योंकि इस बार थोड़ा सा मनी में लो हो गया है क्योंकि पापा का उसको हम बना रहा था तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है टाइल्स लगाना है तो उसके वजह से हम लोग इस बार मनाने नहीं पाए सो नेक्स्ट टाइम अच्छे से मनाएगा। इस बार सिर्फ प्रे किया और कैंडल जलाया क्योंकि जलाने के बाद इधर सीधा आ गया और अभी हम घर में फ्लावर बना रहे हैं और पीछे में टीवी चल रहा है सो आजकल ये मेरा ब्लॉगिंग यहाँ होगा। हम पहले वहाँ से कैंडल जलाने के बाद आके फ्लावर बना रहा था सो बाहर में बच्चा लोग टीवी देख रहे हैं मेरा मिस्टर राइट भी बाहर में टीवी देख रहे हैं सो अंदर में हम फ्लावर बना रहे हैं तो फ्लावर बाद में कंप्लीट होने के बाद को भी आप लोगों को दिखाऊँगी। सो आज का मेरा यहाँ ब्लॉगिंग यहाँ तक होगा सो मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट ब्लॉगिंग किया है पूरा कर नहीं पाया है तो आज बस इतना है नेक्स्ट अच्छा करने के लिए कोशिश करें। सो इस खुशी में चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हैप्पी लाइफ जिए लाइफ में कुछ भी मुसीबत आने से पहले डरना है थोड़ा तो चिंता होगा लेकिन अपना भगवान को याद करो और जरूर रास्ता दिखाएंगे जैसे मेरा सब मैं भी कुछ दिन के लिए डर गया था लेकिन सॉल्व हो गया। सो Have a great, great night. Good night.